होगा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। हेलो, हाँ ऑन तो कर लिया मैंने। बेटा क्या हुआ रहा? हेलो, कुछ परेशान लग रही हो? ऑन कर लिया मैंने। अरे अम्मी मेरे 12 का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए मुझे बहुत फिक्र हो रही है। बेटा परेशान मत हो, तुमने बहुत मेहनत की है, सब ठीक होगा। अच्छा मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। जी अम्मी। फ्रेंड 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 फ्रेंड, अरे अब आत्मा का फोन क्यों आ गया है? हेलो हेलो राहत, अपना रिजल्ट आ गया है। अपना रिजल्ट आ गया क्या? हाँ हाँ मेरे 85% बने हैं। अच्छा ठीक है, मैं मेरा रिजल्ट चेक करती हूँ। हाँ और मुझे भी बताना। ठीक है, जल्दी अपना सीट नंबर डालती हूँ। अल्लाह पता नहीं क्या होगा। ओ यस अम्मी जान जल्दी आइए। क्या हुआ राहत, क्यों शोर मचा रही हो? मेरे 12 के एग्जाम में 90% बने हैं। माशाल्लाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा मैं तुम्हारे लिए मीठा बना कर लाती हूँ। मैं अबू जान को बताती हूँ। अबू जान मेरे 12 के एग्जाम में 90% बने हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आप मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाएंगे ना? नहीं बेटा राहत, अब तुम आगे नहीं पढ़ सकती। लेकिन क्यों, डॉक्टर बनना तो मेरा बचपन का सपना है। क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई पे पैसे खर्च करने से अच्छा है कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूँ। मान जाएगी ना, बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है। बेगम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उसे समझाने के बजाय तुम उसका साथ दे रही हो। जाओ अंदर, इसे अंदर ले जाओ और घर का कुछ काम काज सिखाओ, जब तक मैं पान खा के आता हूँ। बेटा परेशान मत हो, हम कुछ कर लेंगे। अच्छा मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन राहत, तुम्हें 12 के बोर्ड एग्जाम में पूरे 90% आए हैं। थैंक यू। तुमने हमारे स्कूल में टॉप किया है, टॉप। थैंक यू सर। अब आगे का क्या प्लान है? सर मुझे नहीं लगता मैं आगे पढ़ पाऊंगी। पर क्यों? क्योंकि मेरे अब्बू मेरी पढ़ाई पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। रात अगर पैसों की बात है, तुम स्कॉलरशिप ले ट्राई क्यों नहीं करती? तुम्हारा परसेंट भी अच्छा है, मुझे लगता है तुम्हें स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। अच्छा ठीक है, अगर आपके पास स्कॉलरशिप की और डिटेल हो तो मुझे दे दीजिए। हाँ है, मैं तुम्हें ईमेल करता हूँ। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या लॉटरी खुल गई क्या? अरे नहीं। फिर क्या बेटे की शादी पक्की हो गई? अरे नहीं। फिर क्या बेटे की नौकरी लग गई? अरे नहीं। मैं बताता, आज मेरी बेटी का 12th का रिजल्ट आया और उसे पूरे एग्जाम में 85% बने और मैं उसे किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवाऊंगा। चलो वो तो सब ठीक है, घर चलकर चाय वाय पीते हैं। जी जैसा आप कहे। जमाल भाई दरवाजा खुला है। देखो बेटा राहत कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम जावेद अंकल। वालेकुम सलाम राहत बेटा। बैठिए ना। क्या हुआ राहत बेटा, बहुत उदास नजर आ रही हो। जाओ राहत अंदर जाओ और अपनी अम्मी जान से कहो कि जावेद भैया आए, उनके लिए कुछ चाय नाश्ता बना दे। जी अब्बू। अम्मी जान जावेद अंकल आए और अब्बू जान के लिए नाश्ता मंगवा रहे हैं। वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम भाभी जान, क्या हुआ बच्ची उदास नजर आ रही है। देखो ना जावेद भाई, राहत 12th क्लास में 90% लाई है और डॉक्टर बनना चाहती, और ये है कि उसकी पढ़ाई पर ब्रेक लगाना चाहते। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है। जमाल भाई बच्ची के इतने अच्छे नंबर आए और आप उसकी पढ़ाई क्यों रोक रहे हैं? उसकी पढ़ाई पे पैसे खर्च करने से अच्छा है कि मैं उसकी शादी करवा दूँ। वैसे भी लड़की है, पढ़ लिख कर क्या कर लेगी, शादी के बाद तो वैसे भी चूल्हा चौका ही संभालना है। जाओ तुम अंदर जाओ। ना जाने जमाल भाई, आपको पढ़ाई की तालीम की अहमियत कब पता चलेगी। अब्बू अब्बू मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। अरे लेकिन जो अभी पिछले ही साल मैंने तुम्हारी शादी में इतना बड़ा फ्रिज, इतनी बड़ी अलमारी और इतना बड़ा सोफा दिया था, अब क्या हुआ? अफसोस कि आपने मुझे इतनी बड़ी अलमारी, इतना बड़ा फ्रिज और इतना बड़ा सोफा दिया, लेकिन आपने मुझे बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं दिलाई। वो मेरी जेठानी डॉक्टर और मेरी देवरानी इंजीनियर, दोनों सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस चले जाते, और मेरी सास वो तो पूरे घर का काम मुझसे ही कराती है, फिर भी पूरा घर मुझे अंगूठा टेक कहता है, अंगूठा टेक। और इस पे बात तो इतनी बिगड़ गई कि उन लोगों ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। देखा जमाल भाई, आपके जितना आपकी बड़ी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, अब आपको पता चला होगा पढ़ाई की अहमियत क्या होती है। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। अब्बू राहत
अबू को? टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। तुम्हें कैसे पता ब्लड प्रेशर ही हाई हुआ है? अरे बाजी इतना तो हमारे स्कूल में सिखा देते हैं हमें। अच्छा अच्छा बेटा राहत, मुझे माफ करना, मेरी सोच बहुत गलत थी। आज मुझे पता चला है कि लड़कियों को पढ़ाना कितना जरूरी है। लाओ अपना एडमिशन फॉर्म लाओ, मैं उस पर साइन कर दूँ। दीजिए अबू। शुक्रिया अबू। तो देखा आपने रिस्पेक्टेड पेरेंट्स कि कैसे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को 10वीं और 12वीं का उनकी पढ़ाई पर ब्रेक लगा देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा ड्रामा देखने के बाद अपने बच्चों को 12वीं का उनकी पढ़ाई पर ब्रेक नहीं लगाएंगे और उन्हें ऊँची से ऊँची तालीम दिलवाएंगे। शुक्रिया।